सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस व्लॉग में आप लोगों का वेलकम करता हूं और फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज के इस व्लॉग को। और मैं हूं अभी बाहर और निकलने जा रहा हूं कुछ सामान लेने के लिए। क्या होने वाला है, क्या कुछ स्पेशल है आज, तो वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग आज के व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं। सो लेट्स गो। तो यार एक पोपट ये हो गया कि मैं जो काम करने आया था ना, मैंने सारा काम निपटा भी लिया और कहाँ आया था शॉपिंग करने के लिए, सारा कुछ हो भी गया, लेकिन मैं शूट करने ही भूल गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अभी जब मैं वापस होने लगा तो मेरे को याद आया। तो फिलहाल चलो यार, अब जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। फिलहाल अभी हम निकलते हैं घर की तरफ और फिर मिलते हैं आपसे। हम रुके हैं यहाँ अग्रवाल स्ट्रीट पे और यहाँ से कुछ सामान लेना है, तो अभी चलते हैं। तो भाई अपने को चाहिए था पनीर, वो यहाँ नहीं मिला है, अगेन पोपट हो गया। भाई घर के पास पहुँच गए थे तो ये मदर डेयरी से ही मैंने लिया, नॉर्मल शॉप पे नहीं मिल पाया, तो अभी ले करके चलते हैं और घर पे इसको बनाएं। गाइस अभी मैं आया हूँ यहाँ केक शॉप पे, ये हमारे घर के पास में है, तो यहाँ से लेंगे केक। भैया केक है। अभी हमने निकलवा लिया अपना केक और हो रहा है रेडी, और आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि किस लिए ले रहे हैं। आ गया है अपना केक, लीजिए भैया। ले लिया है केक और लेकर के चलते हैं। पहुंच गया हूँ घर, लगा दी अपनी बाइक यहाँ पर, ये रहा अपना केक, और अब इसको लेकर के चलेंगे घर पे। और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया लगा है कि आज क्या है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, लेकिन चीटिंग मत करना भाई कि आगे जा कर के देख लिया क्या है और फिर बाद में कमेंट कर दिया। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, सब कुछ पता लगा लिया। शातिर लोगों की तरह ऐसा मत करना, यहीं पर भी अगर कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो किसका क्या सेलिब्रेशन है तो मज़ा आ जाएगा। चलिए मैं आ गया हूँ घर के पास, अब चलते हैं ऊपर और फिर थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे क्या होने वाला है। गाइस मैं आ गया हूँ घर पे और अभी केक वगैरह तो खैर थोड़ी देर में कटेगा, फिलहाल हो गया मेरे मील का टाइम, थोड़ा सा लेट ही होगा। तो आज मैं मील में क्या ले रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या है मेरे मील में तो मैं ले लेता हूँ। राइस ये है सोयाबीन राइस, और इसमें जो है मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ, एक मील में मैंने 55 ग्राम्स जो है वो राइस लिया था जिसको मैंने बॉईल करके, और सोया चंक्स जो है वो मैंने 75 ग्राम्स लिया था, और थोड़ा सा मैंने पनीर भी डाल दिया। तो ये फुल ऑफ प्रोटीन और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। तो भाई अभी इसको खाते हैं जल्दी से। A few moments later. भाई अगेन आज फिर से अपन कुकिंग मोड में हैं। मैंने ले लिया है ये चार और मैं बना रहा हूँ कुछ खड़े मसालों का पेस्ट, जिसमें मैंने प्याज पहले काट के रख लिए, बाकी सारी चीज़ें डालूंगा, और स्पेशली इस मोमेंट के लिए आज मैं कुकिंग कर रहा हूँ तो मैंने चार ले लिए। अरे खड़े मसाले ऑलमोस्ट मैंने ले लिए हैं, अब इसको जार में डालेंगे और कुछ चीज़ें डालेंगे। यहाँ पर मिर्चा और अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अदरक हमारे पास और लहसुन रॉ नहीं है तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, बट काम अल्टीमेट होने वाला है। अभी सारा कुछ जा चुका है जार के अंदर, सारे खड़े मसाले, और ऊपर से मैंने ये भी डाल दिया। अब इसको फटाफट से हम बनाएंगे पेस्ट। भाई फाइनली अपना मसाला एकदम दरदरा सा बन के तैयार हो गया, मस्त वाला। अब इससे बनेगी बेहतरीन पनीर की सब्ज़ी। ये मेरी स्पेशल डिश है, मम्मी की रेसिपी है, उससे मैं बनाऊँगा, बहुत ज़ोरदार बनने वाला है। फाइनली मैंने पनीर के पीसेस भी कट करके रख दिए हैं और अब हम प्रोसेस को आगे स्टार्ट करेंगे, तो काम शुरू करते हैं। चढ़ा दिया तेल और इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को नहीं खाना है, सभी गेस्ट को खाना है, तो भाई उनको सही लगना चाहिए ना। और मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपने जो अभी राइस देखे थे ना, सोया चंक्स वाले राइस जो थे जिसमें पनीर भी था, उसमें ज़ीरो ऑयल था, इतना सा भी ऑयल नहीं था। तो वो मेरी अलग रेसिपी है जो मैं अपने लिए बनाता हूँ, विदाउट ऑयल बनाता हूँ, जिससे कि फैट ना चढ़े बॉडी में, तो वो एक अलग रेसिपी है। तो वो मैं सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ, बट टेस्टी वो भी बहुत बनता है। अगर किसी को जानना हो कि फैट लॉस के लिए कैसे हम न्यूट्रिशन वाली रेसिपी बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, अगर चाहिए तो बता देना भाई। आपका भाई तो शेफ भी हो गया आजकल क्योंकि जब भाई बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, तो शेफ बनना पड़ता है, क्योंकि अकॉर्डिंगली ऑयल्स और सब कुछ मैं करना रहता है। तो अगर घर में कर लेते हैं सब लोग तो वेल एंड गुड है, उनको आपकी डाइट का आइडिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। इन केस मान लो कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको भी अपने ऑप्शंस पता होने चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि भाई कैसे कुक करना है। दैट्स व्हाई मैं हैंड्स ऑन करता रहता हूँ। तो चलिए अभी बनाते हैं फिलहाल ये मस्त वाला पनीर। तो गाइज ये देखिए अपने पनीर जो है वो फ्राई हो रहा है अभी।
गाइस देखो पनीर ब्राउन होने लग गया, अब इसको बस निकालने वाला हूँ थोड़ी देर। तो गाइस अपने पनीर के पीसेस हो गए तैयार। गाइस मैंने मसाला जो है वो भी डाल दिया तेल में, तेल गर्म हो गया था, और अभी इस मसाले को हम अच्छे से भुनेंगे। कैसा लग रहा है देख के बताओ, सही लग रहा है? मैंने पनीर के पीसेस जो है वो इसके अंदर डाल दिया। आप देखो कितना मस्त टेक्सचर आ रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट तो आपको हम दिखाई देंगे। तो बस अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे डेढ़ लगा करके, और फिर अपना काम डन है। ये है केक काटने की बारी, तो अब आपको पता लग जाएगा कि किसका बर्थडे है या किसका क्या सेलिब्रेशन है। तो चलिए चलते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday Nancy. Happy birthday to you. Blessings to you. Many blessings to you. Many blessings to Nancy. Happy birthday to you. ये कौन आ रहा है? आरुष आया भैया, क्या ये गिफ्ट है? अरे वाह, हैप्पी टू यू मामी। हम सब की तरफ से। अब हो रही है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। ये वाह भाई वाह, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा रहा है। तो वाह शैरल की तरफ से, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हम लोग की तरफ से है भैया, छोटा सा पुरस्कार भाइयों और बहनों और परिवार वालों की तरफ से है। ये सही है, चलिए। तो गाइज अभी सारा कुछ गिफ्ट वगैरह ओपनिंग हो चुकी है, और अब आएगा खाने का टाइम। तो अब फाइनल मेन्यू आपको भी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। A few moments later. फाइनली देखो ये है टेक्सचर अपनी सब्जी का, ये बन चुकी सब्जी, ये रहा रायता, और इधर है गर्मा गर्म पूड़ी। तो गाइज अभी टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट किया जा रहा है, तो अब फीडबैक जानेंगे लोगों का लाइव कैसा है स्वाद। सच में बढ़िया बना है। अरे वाह क्या बात है, सब्जी देखने में पता चल जाती है कि वो कैसे बनी है। हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ तो मैंने खाने से पहले बोल दिया था बहुत अच्छी बनी है, वाकई में बहुत टेस्टी सब्जी। अरे वाह देख लो गाइस एक बार फिर से, है ना मस्त। तो गाइस पनीर की सब्जी बहुत ही शानदार बनी थी, और सभी को बहुत मज़ा आया खाना खा करके, सब ने खूब अच्छे से खाया, और मैंने भी थोड़ी सी चीट कर लिया, दो तीन पूड़ी मैंने भी खा ली और पनीर के साथ, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और आप लोग बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आगे कमिंग ब्लॉग्स में बता दूंगा। ओवरऑल बहुत ही मज़ा आया, हम सभी ने मिलकर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बर्थडे को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, और खाना पीना तो अच्छा था ही। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आप लोगों से मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, चलते हैं, बाय। तो भाई सारे खड़े मसाले मैंने, सारे खड़े मतलब